एंटीलिया और मनसुख हिरेन की हत्या से जुड़े केस में आरोपी सचिन वाझे को शनिवार कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए वाझे की 6 दिन की कस्टडी बढ़ाने की मांग की गई। हालांकि कोर्ट ने एनआईए को सचिन वाझे की 4 दिन की कस्टडी बढ़ाई है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली में एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, 2 मई को जो होने वाला है उसकी झलक हमने नंदीग्राम में देख ली है। पीएम मोदी ने कहा कि 2 मई को जो सरकार बनेगी वो ना सिर्फ डबल इंजन सरकार होगी बल्कि ऐसी सरकार भी होगी जो डबल फायदा देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने वायनाड में रैली को संबोधित करते हुए वहां के सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि वायनाड राहुल बाबा का निर्वाचन क्षेत्र है। वो 15 साल तक अमेठी के सांसद रहे और अमेठी को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। बाद में वो वायनाड आ गए। मैंने राहुल बाबा जैसे पर्यटक राजनीतिज्ञ को कभी नहीं देखा। असम में विधानसभा चुनाव का तीसरा और अंतिम चरण बाकी है। 40 सीटों के लिए 6 अप्रैल को यहां वोट डाले जाएंगे। इस बीच चुनाव आयोग ने असम के मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा को बड़ी राहत दी है। आयोग ने चुनाव प्रचार पर लगी रोक की अवधि को 48 घंटे से घटाकर 24 घंटे कर दिया है। ईडी ने शनिवार को बताया कि उसने शारदा चिटफंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता कुणाल घोष, पार्टी की सांसद शताब्दी रॉय और देवजानी मुखर्जी की 3 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। महाराष्ट्र की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा एकनाथ गायकवाड़ ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते छात्रों की परीक्षाएं करवाना मुमकिन नहीं है, जिस वजह से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने 1 से 8 तक के छात्रों को बिना परीक्षा अगली क्लास में प्रमोट करने का फैसला लिया है। दिल्ली में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। शनिवार को भी पिछले 24 घंटे में 3,567 नए मामले सामने आए। इसके अलावा 10 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 12,647 हो गई है। मरने वालों की कुल संख्या की बात करें तो अब तक दिल्ली में 11,060 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से 3 आरोपियों जुनैद इरशाद चांद मोहम्मद को मिली जमानत को रद्द करवाने को लेकर दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पुलिस ने हाईकोर्ट से 3 आरोपियों को मिली जमानत को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट अर्जी पर सोमवार को सुनवाई कर सकता है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा कि अगर आपको लगता है कि ईवीएम एक पोल सेल फ्रॉड है तो क्या बैलेट बॉक्स की वापसी के लिए आप हमारे अभियान में हमारा साथ देंगे। राजस्थान के अलवर में किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर हुए हमले को लेकर उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। टिकैत ने कहा कि ये उनकी युवा इकाई ने किया है। उनका कहना था कि राकेश टिकैत गो बैक, मैं कहां जाऊं।